एक छोटी सी कहानी जो ये बताती है कि परिस्थितियाँ कैसी भी हो, समस्या कोई भी हो, उसका हल तभी निकलता है जब हम उस समस्या को सुलझाने की कोशिश करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी ट्यूब पर, जहाँ आज हम एक छोटी सी कहानी लेकर आए हैं। सफलता की कुंजी एक ऐसा चिराग है जिसे हर कोई पाना चाहता है, लेकिन इसके लिए मेहनत, परिश्रम, धैर्य, बल, आत्मविश्वास जैसी कई चीज़ें व्यक्ति में होनी चाहिए। सफलता को लेकर कई प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। हमारे आसपास भी ऐसे कई सफल लोग होते हैं जिनके संघर्ष की कहानी पढ़कर हम जीवन में सफल बनने के लिए प्रेरित होते हैं, लेकिन कुछ लोग सफल होने के लिए सही वक्त का इंतज़ार करते हैं और रुके रह जाते हैं। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो इस कहानी को ज़रूर सुने। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि सफलता को प्राप्त करने के लिए सही समय या फिर परेशानी के खत्म होने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए और बुरी परिस्थितियों का रोना नहीं रोना चाहिए। ऐसा करने से सफलता हाथ से निकल जाएगी और आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। इस कहानी को जानने के लिए वीडियो को एंड मिस ना करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। एक व्यक्ति था जिसके जीवन में बचपन से ही समस्याएं ही समस्याएं थी। बचपन से ही उसके पिता की मृत्यु हो गई, जिस कारण कम उम्र में ही परिवार की जिम्मेदारियां उसके ऊपर आ गई थी। वयस्क होने के बाद जब उसका विवाह हुआ तब जिम्मेदारियां और परेशानियां दोनों और अधिक बढ़ गईं। इसी तरह उसके जीवन में परेशानियां लगी रहती। एक परेशानी के खत्म होते ही दूसरी शुरू हो जाती। इससे परेशान होकर व्यक्ति एक दिन एक प्रसिद्ध संत के पास पहुँचा। व्यक्ति ने संत से कहा, बाबा मुझे अपना शिष्य बना ले, मैं जीवन से बहुत परेशान हो गया हूँ और दुखी हूँ। संत बोले, ठीक है, तुम मुझे अपनी परेशानी बताओ। व्यक्ति ने कहा, बाबा मेरे जीवन में बहुत परेशानी है। एक अगर समस्या ख़त्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। इस कारण मैं तनाव और दुखी रहता हूँ और किसी काम में सफलता नहीं मिल पाती। बाबा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी परेशानी का हल बताता हूँ, तुम मेरे साथ चलो। संत व्यक्ति को लेकर एक नदी के पास पहुँचे। संत ने व्यक्ति को नदी के किनारे खड़ा कर दिया और बोले, हमें ये नदी पार करनी है। ये कहकर संत वहीं खड़े हो गए। व्यक्ति भी संत के साथ वहीं पर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद उसने कहा, बाबा हमें नदी पार करनी है तो हम यहाँ क्यों खड़े हैं? संत ने कहा, हम नदी के सूखने का इंतज़ार कर रहे हैं। जब नदी सूख जाएगी तो हम उसे आसानी से पार कर सकते हैं। व्यक्ति बहुत आश्चर्य होकर बोला, बाबा आप ये कैसी बात कर रहे हैं? नदी का पानी कैसे और न जाने कब सूखेगा, हमें नदी को इसी समय पार करना चाहिए। संत ने कहा, मैं भी तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जीवन में समस्याएं तो आती ही रहेंगी, हमें रुकना नहीं चाहिए बल्कि लगातार आगे बढ़ता रहना चाहिए, तभी हम उसे हल कर पाएंगे और आगे बढ़ेंगे। व्यक्ति को संत की बात समझ आ गई। उसने अपनी सोच बदली और उसी दिन निश्चय कर लिया कि परिस्थितियां कैसी भी हो, समस्या कोई भी हो, उसका हल करते हुए सफलता की ओर आगे बढ़ना है। हम भी छोटी छोटी बातों से निराश हो जाते हैं। हमें लगता है कि छोटी छोटी परेशानियां बहुत बड़ी मुसीबत है और हम उससे आगे बढ़ ही नहीं सकते और हम उसे वहीं पर छोड़ देते हैं। लेकिन जब तक हम इन परेशानियों से नहीं निपटेंगे, इनका कोई हल नहीं निकालेंगे, तब तक सफलता नहीं पा सकते। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।